हेलो फ्रेंड्स, माने मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और आज ये 4-5% बढ़ा है क्योंकि इनके आज रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो इसी के बारे में जानेंगे। और इनका जो स्टॉक है, काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी हाल ही में, और 600 के ऊपर ये स्टॉक चलता था और कंटिन्यूस मीन्स देखा होगा तो 60% डाउन हुआ था और वहाँ से और नीचे आया था और अपना लोअर लो बनाया था इस स्टॉक ने। और इसका जो 52 वीक का लो है वो 176 का है और हाई 238 का, और आज ये स्टॉक चल रहा है 235 के ऊपर, लगभग 4.5% अप है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का। और राकेश झुनझुनवाला जी की भी इसमें होल्डिंग है, उन्होंने लास्ट क्वार्टर के इस क्वार्टर के अंदर इस गिरावट के अंदर और उन्होंने स्टेक इस स्टॉक के अंदर बढ़ाया है, उसके बारे में भी मैंने बताया था। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 7382 के करीब मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देती है, 2015 में बोनस शेयर्स भी दिए थे, लेकिन NBFC के अंदर लिक्विडिटी की वजह से काफ़ी मीन्स दूसरी भी कंपनीज के अंदर काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई है, लेकिन इनके रिजल्ट जो आए हैं काफ़ी बेहतर आए हैं। इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो भी टाइम पर जा रहा है। और इनका अगर आप टोटल इनकम सितंबर क्वार्टर का अगर देखेंगे तो 3515 करोड़ का इनका टोटल सेल्स का टर्नओवर था, और उस जून क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 3154 मीन्स थोड़ा वहाँ से बड़ा है। और लेकिन 2017 के क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 2627 का इनका था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है इनका रेवेन्यू। और इनका जो प्रोविजन्स है वो भी बड़े हैं इस क्वार्टर के अंदर, तो उसी के कारण जो है थोड़ा प्रॉफिट्स के अंदर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं प्रोविजन करने के बाद भी। इनका जो एक्सपेंसेस है 2886 करोड़ का है, और सॉरी 288, और इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 438 करोड़ का, जो कि काफ़ी बेहतर है। जून क्वार्टर के अंदर था 435, जो कि बड़ा है। और जो 2017 का अगर क्वार्टर देखेंगे तो 287 करोड़ का था, वहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर से तो 50% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली है, अर्निंग पर शेयर भी बड़ा है, तो प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। लेकिन आगे कैसी NBFCs चलते हैं वो भी आपको नज़र में रखने पड़ेंगे। और यहाँ से काफ़ी अच्छे मीन्स रिजल्ट्स इनके आए हैं, तो स्टॉक में थोड़ी रिकवरी तो आपको इजीली देखने को मिलेगी, और जैसे ही रिजल्ट्स इनके अपडेट हुए 4-5% इस स्टॉक के अंदर भी रैली देखने को मिली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोगों ने ले रखा है दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी, और काफ़ी लोग लेना भी चाहते थे और काफ़ी मीन्स रिजल्ट्स का भी इंतज़ार कर रहे थे, तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, आप इजीली BSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।